तुम बाकी झांसों की रानी और लटके झटके रानी हो, तुम राहुल को क्या चैलेंज कर रही हो? और राहुल की तो तुम पैर की जूती के बराबर भी नहीं हो। तुम्हें लगता है कोई शरीफ है, पढ़ा लिखा है, कुछ भी बोल दोगे जवाब नहीं देगा? तो वो वाली पॉलिटिक्स गई। देखो चलो मैं चैलेंज करती हूँ, इस बार अमेठी से मैं तुम्हारे सामने लड़ने को तैयार हूँ। लेकिन सवाल यही है, धन्नो धोबन अकेली लड़ना, वहाँ पर कोई निर्दलीय, तुम ड्रामा मत करना कि किसी को 10 लाख, किसी को 20 लाख, किसी को 25 लाख देके टुच्ची पॉलिटिक्स करो। तुम और मैं अकेले लड़ेंगे। तुम तो महिला कहती हो, तो अपना को महिला आमने सामने का मुकाबला करेंगे, फिर मैं देखती हूँ बनी फिरती हो कैसे जीत कर दिखाती हो। राहुल तो बहुत दूर की बात है, मतलब खड़के जी ने कुत्तों को बदनाम कर दिया। अरे इनको कुत्तों से मिलाने की क्या जरूरत थी? कुत्ता तो वफादार होता है। खड़के जी आपने बहुत मतलब बयान तो बहुत जबरदस्त दिया कि इनका योगदान नहीं था, मैं तो कहती हूँ इनके सर की जू भी आजादी में नहीं मरी। कुत्ता गैंग नहीं, क्योंकि कुत्ता भी वफादार होता है। और किस तरह भड़क रहे हैं, अबे तुम्हें तो वफादार बता दिया खड़गे जी ने, तुम तो वफादार, तुम तो बड़े सबसे बड़े गद्दार हो, तुम तो नाजायज औलाद हो, तुम देखो चाइना के साथ कैसे चमचे बनमर के कूद रहे हो, तुम वही हो जो अंग्रेजों का पिशाब पी के सुबह शाम कुल्ला करके कहते थे हम तुम्हारे वफादार हैं, जिसको तुम वीर कहते हो, वीर सावरकर, उसकी उस वक्त पेंशन आती थी, उस महावीर बिल्कुल वीर है, बिल्कुल वीर है, वो माफी वीर है, वो गद्दार वीर है, वो सावरकर जो है वो आप ही देखे कैसे झूठ बोलते, मेरी बेटी का नहीं है, मेरी बेटी का नहीं है, मेरी बेटी को बदनाम कर, छोनी कक्की है, मेरी बेटी का रेस्टोरेंट नहीं है। और तमाम मीडिया सबूत के तौर पर दिखा रहा था इसकी बेटी का रेस्टोरेंट है, और वो मुस्तंडिस की बेटी जो है वो आराम से बैठी भी कह रही थी हाँ हम काओ भी बेचते हैं। तो ये तो मक्कार औरत, एक वो झूठ का जनरेटर इनका अप्पा है चाय वाला, और ये दूसरी झांसों की रानी लटका झटका कुइन है जो लगातार झूठ बोलती।